हेलो छात्रों, दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड ने डेली करंट अफेयर की लगातार सिलसिले में आपका स्वागत है। आज के करंट अफेयर के प्रश्नों को लेकर हम मौजूद हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 13 मई, ऑप्शन बी 12 मई, ऑप्शन सी 11 मई, ऑप्शन डी 10 मई और ऑप्शन ई 9 मई। छात्रों, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हर 12 मई को दुनिया भर में मनाया जाता है। 12 मई फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म की सालगिरह है। ICN प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस संसाधनों और सबूतों के उत्पादन और वितरण के साथ इस महत्वपूर्ण दिन को मनाता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2019 के लिए विषय नर्स से बॉयस से लीड हेल्थ फॉर ऑल है। छात्रों, आप समझ गए होंगे इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी 12 मई होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उस भारतीय का नाम बताइए जिसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा 17 SDG अधिवक्ताओं के नवगठित समूह में नामित किया गया है। ऑप्शन ए दिया मिर्जा, ऑप्शन बी आमिर खान, ऑप्शन सी प्रियंका चोपड़ा, ऑप्शन डी अमिताभ बच्चन और ऑप्शन ई सचिन तेंदुलकर। छात्रों, भारतीय अभिनेत्री दिया मिर्जा और अली बाबा के एक प्रमुख जैक मा संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा नियुक्त 17 वैश्विक सार्वजनिक हस्तियों में से एक है, जो महत्वाकांक्षी सतत विकास लक्ष्यों के लिए कार्रवाई करने और वैश्विक राजनीतिक इच्छा शक्ति को मजबूत करने के नए अधिवक्ताओं के रूप में नियुक्त किया गया है। छात्रों, समझ गए होंगे इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए दिया मिर्जा होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इन इलेक्ट्रॉनिक दिग्गजों में से किसने दुनिया के उच्चतम रिजोल्यूशन छवि सेंसर विकसित किए हैं? ऑप्शन ए सैमसंग, ऑप्शन बी एप्पल, ऑप्शन सी नोकिया, ऑप्शन डी वन प्लस और ऑप्शन ई ओप्पो। छात्रों, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी ने दुनिया के उच्चतम रेजोल्यूशन छवि सेंसर पेश किए हैं, जो स्मार्टफोन को जीवंत अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन पर छवियों को पकड़ने में मदद करेंगे। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ISOCELL ब्राइट्स GW1 के साथ लाया है, जो एक 64 MP इमेज सेंसर है। सैमसंग का 0.8 माइक्रोमीटर पिक्सल इमेज सेंसर लाइन अप है, जो अब मौजूद 20 मेगापिक्सल से लेकर नए अल्ट्रा हाई 64 मेगापिक्सल रेजोल्यूशन तक उपलब्ध है। ISOCELL ब्राइट GM2 एक 48 मेगापिक्सल इमेज सेंसर है, जो कम रोशनी वाले वातावरण में टेट्रासेल तकनीक को भी अपनाता है और प्राकृतिक और ज्वलंत रंगों के साथ अत्यधिक विस्तृत रंगों को लाते हैं। वे अच्छी तरह से सेट की गई सेटिंग में एक पच्चीकारी एल्थोगोरस का उपयोग करता है। GM2 GV की तरह DCG के साथ अतिरिक्त प्रदर्शन और सुपर PD के लिए तेजी से ऑटो फोकस को अपनाता है। तो छात्रों, आप समझ गए होंगे इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए सैमसंग होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना को पहला अपाचे गार्डियन अटैक हेलीकॉप्टर किस देश से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य, ऑप्शन सी स्कॉटलैंड, ऑप्शन डी फ्रांस और ऑप्शन ई रूस। छात्रों, अमेरिकी एरोस्पेस प्रमुख बोइंग के हेलीकॉप्टरों के लिए $2 अरब के सौदे की सील करने के लगभग 3.5 साल बाद भारतीय वायुसेना को 22 अपाचे गार्डियन अटैक हेलीकॉप्टर में से एक सौंप दिया है। एयर मार्शल AS बुटेला ने अमेरिकी सरकार से भारतीय वायुसेना की ओर से पहला अपाचे स्वीकार किया। पहले AH-64E
आई अपाचे गार्डियन हेलीकॉप्टर को औपचारिक रूप से अमेरिका के एरिजोना के मेसा में बोइंग उत्पादन सुविधा में भारतीय वायुसेना को सौंप दिया गया था। AS-64E अपाचे एक प्रमुख बहुभूमि का हमारा हेलीकॉप्टर है और अमेरिकी सेना द्वारा उड़ाया जाता है। IAF ने 22 अपाचे हेलीकॉप्टर के लिए सितंबर 2015 में अमेरिकी सरकार और बोइंग लिमिटेड के साथ एक बहु अरब डॉलर के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। इन हेलीकॉप्टरों का पहला जत्था इसी साल जुलाई में भारत भेजने का कार्यक्रम है। तो छात्रों समझ गए होंगे इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी संयुक्त राज्य होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2020 में किस शहर में आयोजित किया जाएगा। फिर से क्वेश्चन सुनेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2020 में किस शहर में आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन ए वर्लिंग, ऑप्शन बी वारसॉ, ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन डी लिस्बन और ऑप्शन ई म्यूनिख। छात्रों संयुक्त राष्ट्र महासभा ने महासागरों समुद्रों और समुद्री संसाधनों के तहत उपयोग का समर्थन करने के लिए पुर्तगाल ने लिस्बन में अपने 2020 के उच्च स्तरीय सम्मेलन का आयोजित करने का निर्णय लिया। सतत विकास लक्ष्य 14 के कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2 से 6 जून 2020 तक लिस्बन में सतत विकास के लिए महासागरों समुद्र और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और निरंतर उपयोग करेंगे। 2020 के सम्मेलन का विषय महासागर का विस्तार करना होगा। लक्ष्य 14 के कार्यान्वयन के लिए साइंस एंड नवाचार पर आधारित कार्रवाई स्कॉटेंगिंग साझेदारी का समाधान है। तो छात्र आप समझ गए होंगे इस प्रश्न का उत्तर लिस्बन होगा यानी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है छात्रों 98 वेनिस बिएनले ने भारतीय मंडप का विषय क्या है। फिर से सुनेंगे 98 वेनिस बिएनले में भारतीय मंडप का विषय क्या है। ऑप्शन ए डीप सी ब्लू सराउंडिंग, ऑप्शन बी मे यू लिव इन इंटरेस्टिंग टाइम, ऑप्शन सी सोरो सन, ऑप्शन डी फ्यूचर केयरिंग के लिए हमारा समय, ऑप्शन डी इंटरेस्टिंग टाइम हैपेनेंस रियली। छात्रों वेनिस इंटरनेशनल आर्ट प्रदर्शनी या बस वेनिस बिएनले दुनिया में सबसे पुराना सबसे महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनियों में से एक है जो 1895 में शुरू हुआ था। 98 अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी 11 मई से 24 नवंबर 2019 तक आयोजित की जा रही है जो सिर्फ राल्फ रगॉफ द्वारा क्यूरेट की गई है। 98 अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी यू मे यू लाइव इन इंटरेस्टिंग टाइम का विषय 2011 में 8 साल अंतराल के बाद कला की दुनिया की सबसे पुरानी वायलिनों में भाग ले रहे हैं। इंडिया पवेलियन को KNMA के रूबीना कराडे द्वारा क्यूरेट किया गया है। आर्ट ऑन द टाइटल ऑन आवर टाइम फॉर ए फ्यूचर केयरिंग को गांधी जी के सत्याग्रह और एकता और समानता के मूल को दर्शाता है। तो छात्रों आप समझ गए होंगे इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी यानी मे यू लिव इन इंटरेस्टिंग टाइम होगा। तो छात्रों इस सेशन का आखिरी प्रश्न था ये। हम मिलेंगे अगले वीडियो में।